नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं उसी कुमार तिवारी आपको धर्मनगरी छापर का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर कल 25 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन कुंदनमल जी रामप्यारी देवी राठी की स्मृति में आयोजित हो रहा है, जिसमें शीतल पीठाधीश्वर श्री शेर 1008 क्षमाराम जी महाराज के मुखारविंद सेवक जन कथामृत का पान करेंगे। अभी छापर के गांधी जी मूर्ति के सामने बस स्टैंड पर महाराज श्री का पावन आगमन हो रहा है, जिनका स्वागत करने के लिए सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष यहाँ पर उपस्थित है। बैंड वादन हो रहा है और सजी धजी गाड़ी में बिठाकर क्षमाराम जी महाराज को कथास्थल महेश्वरी भवन ले जाया जाएगा। आइए सुंदर कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। छापर के महात्मा गांधी स्मारक के सामने का ये दृश्य आप देख रहे हैं। परम पूज्य क्षमाराम जी महाराज के स्वागत के लिए आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में छापरवासी उपस्थित है। शीतल पीठाधीश्वर स्वामी क्षमाराम जी महाराज अभी कुछ ही देर में छापर पहुंचने वाले हैं। कल 25 तारीख से महेश्वरी भवन में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। स्वर्गीय कुंदनमल जी रामप्यारी देवी जी की स्मृति में राठी परिवार के द्वारा और उनके स्वागत में सभी खड़े हैं। आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी महाराज श्री के आने का इंतजार कर रहे हैं। राठी परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें पूज्य क्षमाराम जी महाराज अभी पधारने वाले हैं। पुष्पों से सजी गाड़ी में महाराज श्री विराजमान होंगे और गाजे बाजे के साथ महेश्वरी बन जाएंगे। ये आयोजन है जिसमें परम पूज्य क्षमाराम जी महाराज पधार रहे हैं। प्रेत जी राठी के साथ में दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सुंदर गाड़ी को सजा गया है, जिसमें परम पूज्य क्षमाराम जी महाराज पधारेंगे। क्षमाराम जी महाराज शीतल पीठ से पधार रहे हैं और ये पीठ एक ऐसे संत से जुड़ी है जिनको हर व्यक्ति श्रद्धा से याद करता है, परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज, जो शीतल से ही थे और ऐसा तपस्वी संत इस धरा पे हुआ भी नहीं है। और जब शीतल महाराज जी राम सुखदास जी महाराज का चतुर्मासा होता था, उसमें क्षमाराम जी महाराज की कथा होती थी, ये सबको पता है। और अनेक बार राम सुखदास जी महाराज छापर पधारे हैं। क्षमाराम जी महाराज तो प्रत्येक नवरात्रा में यहाँ पर नवरण पारायण का पाठ करते हैं और राठी परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में कल से वो नित्य सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक और शाम को 3 से 5:30 बजे तक दो पारियों में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ करेंगे। अभी कुछ ही देर में महाराज श्री पधारे हैं, जिनका यहाँ पर बस स्टैंड गांधी स्मारक के सामने स्वागत किया जा रहा है। बैंड वादन हो रहा है उनके स्वागत में। सभी में कितना उत्साह है, कुछ ही मिनट में महाराज श्री पधार रहे हैं और राठी परिवार उनके स्वागत में पलव पाड़ बिछा रहा है। जगदीश बजाज राठी को आप देख रहे हैं, जिनके परिवार द्वारा यह आयोजन हो रहा है। बहुत भव्य स्वागत यहां पर होने वाला है। सभी में पार श्रद्धा नजर आ रही है कार्यक्रम को लेकर। क्षमाराम जी महाराज पधार चुके हैं शीतल पीठाधीश्वर। आप देख रहे हैं सभी उमड़ पड़े हैं उनके दर्शन के लिए, स्वागत के लिए। शीतल पीठाधीश्वर स्वामी क्षमाराम जी महाराज का पवन आगमन छापर हुआ है। छापर की पावन धरा पर चरण पड़े हैं क्षमाराम जी महाराज के और आप देख रहे हैं स्वागत हो रहा है। जयकारों से गूंज रहा है पूरा क्षेत्र। पुष्प वर्षा हो रही है। पुष्प वर्षा हो रही है स्वामी जी पर। सैकड़ों लोग आप देख रहे हैं स्वागत में उमड़े हैं और अब गाड़ी में सवार हो रहे हैं शीतल पीठाधीश्वर परम पूज्य क्षमाराम जी महाराज का आगमन हुआ है छापर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के लिए। राठी परिवार के द्वारा आयोजन किया गया है। सभी आशीर्वाद ले रहे हैं। जय जय
भी आशीर्वाद दे रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। बीकानेर जिले के सिंथल पीठ से पधारे हैं परम पूज्य श्री श्री 1008 स्वामी क्षमाराम जी महाराज, देव कुंदनमल जी, राम प्यारी देवी राठी परिवार द्वारा आयोजन हो रहा है उनकी स्मृति में, उनके पुत्र ओम प्रकाश जी राठी द्वारा। और अब आप देख रहे हैं जुलूस के रूप में स्वामी जी को महेश्वरी भवन तक ले जाया जा रहा है। सजी धजी गाड़ी में विराजमान है परम पूज्य क्षमाराम जी महाराज। जुलूस के रूप में आप देख रहे हैं सभी रवाना हुए। देख रहे हैं भजन कीर्तन करते हुए भक्त स्वामी जी के साथ महेश्वरी भवन की तरफ बढ़ रहे हैं। चूरू जिले के छापर कस्बे का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर स्वर्गीय कुंदनमल जी रामप्यारी देवी जी राठी की स्मृति में राठी परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। सजी धजी गाड़ी में स्वामी जी विराजमान है क्षमाराम जी महाराज, जिनके स्वागत में ये भीड़ उमड़ी है। सुजानगढ़ तहसील के छापर कस्बे में राठी परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के लिए पधारे सिंथल पीठाधीश्वर स्वामी क्षमाराम जी महाराज के स्वागत में उमड़ी भीड़ आप देख रहे हैं। अभी सिंथल पीठ से उनका आगमन हुआ है छापर में, और गाजे बाजे से उनको कथा स्थल ले जाया जा रहा है, जहाँ कल 25 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन होगा। जीवी गाड़ी में सवार है शीतल पीठाधीश्वर स्वामी क्षमाराम जी महाराज। पूरा राठी परिवार शोभा यात्रा में शामिल हो रहा है। वैसे कलश यात्रा कल सुबह 25 तारीख को 9 बजे निकलेगी। आज स्वामी जी के स्वागत में जुलूस निकाला जा रहा है। सभी भगवान नाम कीर्तन करते हुए चल रहे हैं। धार्मिक कस्बा है छापर, जहाँ पर धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, और कल 25 मार्च से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है महेश्वरी भवन में। स्वर्गीय कुंदनमल जी रामप्यारी देवी राठी जी की स्मृति में राठी परिवार द्वारा इस सजी हुई जीप पे स्वामी जी विराजमान है, और सभी महाराज जी के सानिध्य में चल रहे हैं। मुझे क्षमाराम जी महाराज के प्रत्येक शारदीय नवरात्रा में नवान परायण के पाठ होते रहते हैं, और अनेक बार आपके इस मुखारविंद से भक्तों ने कथामृत का पान किया है। कल 25 मार्च से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सुनने का अवसर भक्तों को मिल रहा है, और आज महाराष्ट्र का पावन आगमन हुआ है छापर की धरा पर। भक्त दर्शन कर रहे हैं।
परिवार की महिलाएं कीर्तन करती हुई चल रही है। ये देखिए नृत्य हो रहा है। श्रद्धा में झूमते हुए भक्त स्वागत जुलूस चोपड़ा बाजार पहुंच चुका है। यह आयोजन हो रहा है 25 मार्च से 1 अप्रैल तक। छापर कस्बे का नजर आप देख रहे हैं, जहां पर राठी परिवार द्वारा श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। स्वर्गीय कुंदनमल जी रामप्यारी देवी जी राठी की स्मृति में कल 25 मार्च से 1 अप्रैल तक श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन है। और अभी परम पूज्य महाराज श्री पधारे हैं, क्षमानंद जी महाराज जिनके मुखार से सब कथा सुनेंगे। वो बस स्टैंड पधारे हैं, जहाँ से गाजे बाजे से स्वागत के रूप में उनको महेश्वरी भवन ले जाया जा रहा है, जहाँ पर कल से कथा शुरू होने वाली है। कल सुबह 9 बजे कलश यात्रा निकलेगी। भक्तों की सेवा हो रही है यहाँ पर। मुख्य बाजार से सभी भक्त प्रस्थान कर रहे हैं। छोटे से धार्मिक कस्बे छापर का नज़र आपको दिखा रहे हैं, जहां कल 25 मार्च से राठी परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। और कथा व्यास सिंथल पीठाधीश्वर क्षमाराम जी महाराज पधारे हैं, जिनके स्वागत में सभी उमड़े हैं। जगह जगह भक्त उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उन पर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। पुष्पों से सजी खुली जीप में सवार हैं मुझे क्षमाराम जी महाराज, और पुष्पों की वर्षा हो रही है। भक्त कीर्तन करते हुए उनके साथ चल रहे हैं। छतों से पुष्प वर्षा हो रही है। रघुनाथ जी के मंदिर के सामने भक्त प्रस्थान कर रहे हैं, जहाँ से कल सुबह 9 बजे कथा की कलश यात्रा निकलेगी। यहाँ से कल कलश यात्रा होगी। छापर कस्बे में स्वर्गीय कुंदनमल जी रामप्यारी देवी जी राठी की स्मृति में उनके पुत्र ओम प्रकाश जी राठी परिवार द्वारा कल 25 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये बैनर आप देख रहे हैं, जिसमें 25 से 1 अप्रैल तक प्रातः 9:30 से 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक, यानी दो पारियों में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ होने वाली है। कल 25 तारीख को रघुनाथ जी के मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकलेगी और उसी के साथ कथा का शुभारंभ होगा। इस समय आप स्वागत जुलूस देख रहे हैं, क्षमाराम जी महाराज छापर पधारे, जिनको गाजे बाजे से कथा स्थल महेश्वरी भवन ले जाया जा रहा है। अब अशोक स्तंभ के पास जुलूस पहुंच चुका है।
प्रकाश जी राठी परिवार द्वारा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज कथाव्यास सिंथल पीठाधीश्वर स्वामी क्षमराम जी महाराज का आगमन हुआ, जिनके स्वागत में जुलूस निकाला जा रहा है। और ये श्री ओम प्रकाश जी राठी का निवास स्थान है, जिनके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। राठी परिवार के निवास स्थान के सामने से अभी ये स्वागत जुलूस निकल रहा है। महान गोपीनाथ बाबूलाल जी रतवा का निवास स्थान है, जिसके सामने जुलूस निकल रहा है। संत निवास जहाँ पर परम पूज्य क्षमराम जी विराजेंगे, और ये शोभा यात्रा ये पहुंच रही है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं उनके स्वागत में। यहाँ पर निवास करेंगे क्षमराम जी महाराज का जुलूस पहुंच गए हैं। पूज्य क्षमराम जी महाराज पधार चुके हैं। यहाँ पर सभी उन पर पुष्पवर्षा करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। यहाँ पर सभी पुष्प लिए खड़े हैं। बहुत ही भव्य स्वागत हुआ है, और अब आप देख रहे हैं सिंथल पीठाधीश्वर स्वामी क्षमाराम जी महाराज पधार रहे हैं, और देखिए जोरदार पुष्पों की वर्षा हो रही है। जोरदार पुष्प वर्षा से उनका स्वागत हो रहा है। श्री पधार चुके हैं। आप देख रहे हैं महात्मा जी की आरती की जा रही है, यहाँ पर पूजा की जा रही है। भव्य स्वागत छापर कस्बे में हुआ परम पूज्य सिंथल पीठाधीश्वर स्वामी क्षमाराम जी महाराज का। परम मदन परम सेवा परम देवी अनुपम परम आत्म परम आदि परम सर्वव्यापी ओम नमो विष्णु नमो नारद नमो देव निरंजन नमो समर्थ नमो स्वामी नमो सकल निरंजन नमो आगत नमो आपो नमो पारब्रह्म नमो मेरम नमो न्यारा नमो पद परमेश्वरम नमो चेतन नमो तारी नमो निज निरासनम नमो आदि नमो अंधा नमो परम प्रकाशनम नमो प्रीतम नमो प्यारा नमो नाम निकेवलम नमो कायक नमो कर्ता नमो राम निष्कलम नमो निकुलक नमो निकुला नमो नित्य नारायणम नमो अधरा नमो भीपरायणम नमो अर्धम निराकारम नमो निगम रूपनम नमो अविचल नमो अण्वे नमो एक अनूपनम नमो साहेब नमो सेजा नमो काल निकनम दास हरिया नमो दाता नमो तुम दास हरिया नमो दाता नमो तुम निर्धनम। बोलो श्री जमलदास जी महाराज की, श्री हरिराम दास जी महाराज की, श्याम रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट वंशी वाले की, उमापति महादेव की, वंशधर हनुमान जी महाराज की। बोलो सिंधल गेड़ाबा राम धाम की जय। सभी आशीर्वाद ले रहे हैं पूज्य क्षमाराम जी महाराज से। राठी परिवार को आप देख रहे हैं, जिन्होंने अपने पूज्य पिताजी कुंदनमल जी और माताजी की स्मृति में ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ का आयोजन किया है, और आज संत क्षमाराम जी महाराज का भव्य स्वागत यहाँ पर हुआ और निवास स्थान पर पहुँचे। और अब मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो
भक्तों से निवेदन करें, क्योंकि कल 25 तारीख से कथा शुरू हो रही है। आज श्री महंत श्री चमाराम जी महाराज के सानिध्य में आज भव्य जुलूस निकाला गया और पूरे गांव का सभी समाजों का प्रतिनिधित्व हमें प्राप्त हुआ, जिसमें कल से हमारा कथा भागवत का कलश यात्रा प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगी रघुनाथ जी के मंदिर से, और सभी जगह से स्थानों से मतलब शुरुआत होकर के और कथा स्थल मैत्री भवन के अंदर पहुंचेगी, और कथा का जो समय है वो सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक और शाम को 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक है। सभी ग्रामवासियों से, सभी स्वर समाज से हम लोगों का अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार के मैत्री भवन के अंदर, पंडाल के अंदर महाराज जी श्री के मधुर वाणी से कथा का जो अवलोकन हो रहा है उसको ग्रहण करें, और प्रातःकाल महाराज जी की जो है प्रार्थना एक ब्रह्म बेला के अंदर 5 बजे से प्रारंभ होती है, जिसमें सभी भाइयों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या के अंदर संत निवास जो है ओम प्रकाश जी राठी का जो मकान है उसके अंदर प्रातःकाल एक निश्चित समय के अंदर पहुंच करके और महाराज जी के जो है आशीर्वचन मधुर बेला के अंदर जरूर प्राप्त करें। इसी के साथ मैं सभी ग्रामवासियों का, सभी समाजवासियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं अधिक से अधिक संख्या में पंडाल में पहुंच करके, और 1 तारीख तक हमारा 1 अप्रैल तक जो प्रोग्राम है उसके अंदर पहुँच के हमें सबको अनुग्रहित करें। राठी परिवार ने सभी भक्तों से निवेदन किया है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और कथा अमृत पान करके अपने जीवन को धन्य करें। बहुत सुंदर आयोजन है और निश्चित रूप से सभी उसका लाभ उठाएंगे। धार्मिक नगरी छापर कस्बे का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर आज राठी परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानेगी के व्यास जी महाराज, परम पूज्य सीतल पीठाधीश्वर स्वामी क्षमाराम जी महाराज का पावन आगमन हुआ। राठी परिवार और तमाम भक्तों ने उनका बस स्टैंड पर स्वागत किया, गाजे बाजे के साथ पुष्पों से सजी गाड़ी में विराजमान होकर महाराज जी यहाँ पर संत निवास में पधारे, जहाँ पर उनका स्वागत आरती की गई। आइए पूज्य श्री से बातचीत करते हैं। महाराज श्री, सबसे पहले हम आपको सत नमन करते हैं, क्या कहेंगे छापर कस्बे के भक्तों के बारे में या कि धार्मिक भावनाओं के बारे में? छापर कस्बे को मैं बहुत बरसों से जान रहा हूँ, इसमें यहाँ जैसी धार्मिक भावना है ये बहुत सराहनीय है, और ये जो जुलूस निकला है ये किसी व्यक्ति का आदर नहीं है, श्रीमद् भागवत का आदर है, और ये उन महापुरुषों का आदर है जिन महापुरुषों ने इस धर्म और संस्कृति और राष्ट्र की बहुत बड़ी रक्षा की है। महाराज श्री, जिस तरह से पिछले 1 दशक में श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा जैसे अनेक आयोजन हो रहे हैं, इसमें क्या प्राप्त हो रहा है, प्राणी मात्र को कितना लाभ मिल रहा है? इस लाभ का ज्ञान प्रत्यक्ष में दिखने में नहीं मिलता है, ये अव्यक्त लाभ होता है। जिस प्रकार से बैंक में रखी हुई FD का हमको तत्काल पता नहीं चलता है कि इसका कितना ब्याज आता है, वो केवल काउंटर लोग ही जान सकते हैं, इसी प्रकार से इस आध्यात्मिक का कृत्य का लाभ कोई किसी प्रकार से अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। जिस तरह से राठी परिवार ने आयोजन किया है भागवत कथा ज्ञानी के आयोजन, परिवारों को क्या मिलता है, कितनी दिव्यता आती है इस आयोजन से? सबसे बड़ी दिव्यता अंतःकरण की शुद्धि होती है, मन में एक भाव पैदा हुआ कि हम भागवत की कथा के श्रोता है, हमें भागवत का आयोजन करना है, ये भाव पैदा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उन्नति और बहुत बड़ी अंतःकरण की शुद्धि है। नमन महाराज श्री, आपने सुना बहुत ही संक्षिप्त महाराज जी ने कथा आयोजन और कथा श्रवण के बारे में महत्व बताया, और छापर कस्बे का सौभाग्य कि महाराज श्री का सानिध्य मिलता ही रहता है, प्रत्येक शारदीय नवरात्रा में आपके द्वारा नवपरायण रामायण का पाठ सभी भक्त साथ में करते हैं, और भागवत कथा कहने के आयोजन छापर में हो चुके हैं, और निश्चित रूप से छापर परिवार और राठी परिवार का परम सौभाग्य है।